बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इनपेज का कोर्स स्टार्ट है। इससे पहले हम इनपेज के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने सीखा कि इनपेज बेसिकली क्या होता है, इसको किस तरीके से हम ओपन करते हैं, किस तरीके से इसके अंदर पेज क्रिएट करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से सेव करते हैं और किस तरीके से एडिट करते हैं। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके यानी प्लेलिस्ट में जाके वो तमाम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है यानी आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन। यानी अगर हमने इनपेज को यूज़ करते हुए इसके अंदर कोई चीज़ लिख ली, लाइक अगर हम यहाँ पर बुक की बात करें कि आप किसी बुक को इसके अंदर कंपोज कर रहे हैं, आपने वो तमाम बुक यहाँ पे कंप्लीट कर ली यानी आपने लिख ली। लिखने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि वो जो आपने लिखा है आप उसकी पीडीएफ फाइल एक निकालें, यानी या तो उसे प्रिंट करें या उसकी पीडीएफ फाइल एक निकालें ताकि वो एक बुक की शेप में आ जाए यानी एक प्रिंट फॉर्म में आ जाए। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम ये करते हैं कि हम अपने उस फाइल को ओपन करते हैं इन पेज के अंदर जिसको हम प्रिंट करना चाह रहे हों या जिसकी पीडीएफ फाइल निकालना चाह रहे हों। सो उसके बाद हम यहाँ से आएंगे फाइल के मेन्यू पे, हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट का, आप यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करके भी इस ऑप्शन को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। सो यहाँ पर हम पी डी एफ को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके सिस्टम के साथ आपका प्रिंटर अटैच है तो आप यहाँ पे उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसे पीडीएफ करना चाह रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ से पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया है। पीडीएफ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपने पेज को सिलेक्ट करना है कि आप कितने पेजेस को यहाँ पर प्रिंट करना चाह रहे हैं। अभी हमारे पास एक ही पेज है, लेकिन अगर आप जैसा कि हमने पहले बात की आपने इसके अंदर कोई बुक लिखी हो उसे प्रिंट करना चाह रहे हो तो वो एक से ज़्यादा पेज होंगे। सो उसके लिए आपने यहाँ से अपने पेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। आप ऑल पेज पे क्लिक करेंगे तो ऑल पेज सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर ना हो यहाँ पे तो आप खुद से करेंगे, यानी यहाँ पर आपने फर्स्ट कर देना है और यहाँ पे आपका जो भी लास्ट पेज हो उसकी नंबरिंग यहाँ पे कर देनी है। सो ये आपने करना है। करने के बाद हम यहाँ से प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपने पेज को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, अगर आप लैंडस्केप करना चाह रहे हो, पोर्ट्रेट करना चाह रहे हो, आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। सो हम यहाँ से पोर्ट्रेट ही रहने देंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारा पेज इस तरीके से नज़र आएगा, लेकिन अगर लैंडस्केप करें तो इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से पोर्ट्रेट ही रखेंगे और उसके बाद एडवांस पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपने साइज़ को सिलेक्ट करना है, जिस साइज़ की आपकी बुक थी यानी जिस साइज़ का आपने पेज सिलेक्ट किया हुआ था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगर आप किसी और साइज़ में यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेंगे तो वो आपका जो लिखा हुआ होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, यानी कोई लफ्ज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगा, कोई यहाँ पे नज़र आएगा। सो इसलिए पहले ये सेटिंग करना ज़रूरी है। हमने यहाँ पे A5 साइज़ को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ से भी A5 को ही सिलेक्ट करेंगे। सो ये हमने A5 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ से अगेन ओके करेंगे, यहाँ से भी कर देंगे ओके। सो ये हमने ओके किया। ओके करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, यानी उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जिस जगह पे हम इसे रखना चाह रहे हों। सो हमने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे हम वन कर देते हैं। वन करने के बाद हम सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो हमारी बुक थी ये यहाँ पे सेव हो चुकी है पीडीएफ फॉर्म में। हम यहाँ से आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे डेस्क टॉप के ऊपर ये अवेलेबल है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे सामने ओपन हुई है। अब हम अगेन इसे ओपन कर लेते हैं। सो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा पेज था वो A5 नहीं था, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड नज़र आ रहे हैं, कुछ नहीं नज़र आ रहे। सो बेसिकली यही हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि अगर आप एग्जैक्ट अपना पेज यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे अपना साइज़, तो इस तरीके से आपकी जो बुक होगी वो आपको नज़र आएगी। सो इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके पेज का साइज़ हो वही आप प्रिंट के आगे जाके
वही आप प्रिंट में जाके सेलेक्ट करें। सो इस तरीके से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, यानी इन पेज में मौजूद जो आपने लिखा हो उसे पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।